इसका छठा भाग सातवां 13 अध्याय के मुकद्दस। एक दिन यीशु ने 12 को पास बुलाया और उनको दो दो करके बेचना शुरू किया और उन्हें नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा और उन्हें हुक्म दिया कि रास्ते के लिए सिवा लाठी के कुछ ना लो, ना रोटी, ना थैली, ना अपने कमरबंद में पैसा, मगर चपलियां पहनो और दो कुर्ते ना पहनो। और उनसे कहा, जहां तुम किसी घर में दाखिल हो तो वहीं रहो जब तक कि तुम वहां से रवाना ना हो, और जिस जगह लोग तुम्हें कबूल ना करें और तुम्हारी ना सुने वहां से निकलते वक्त अपने पांवों की गर्द झाड़ दो ताकि उन पर गवाही हो। और वो रवाना होकर मुनादी करने लगे कि तौबा करो, और वो बहुत सी बदरूहों को निकाल ले और बहुत से बीमारों को तेल मलकर शिफा देने लगे। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं माफ की जाए। उसी खुदा में असीस मोमिनीन, आज खुदा के पाक कलाम की रूह से हम असीस खुदावन के मिशन, उसकी तबलीग और उसके कामों को देखा जाए तो उसका मिशन जो है वो तीन तरह से पूरा होता है। कि असीस खुदावन जो है वो नबी है, नबी होते हुए अपने किरदार को नवाता है, नबुवत करता है, और जब वो नबुवत करता है तो अंजील मुकद्दस में लिखा है कि तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। और सबका इतवार हमने सुना है कि मसीह खुदावंद जब उसे कबूल नहीं किया गया और वो कहता है कि कोई नबी अपने वतन के अलावा कहीं बेइज्जत नहीं होता, क्या वो बताता है कि नबी कहीं बेइज्जत नहीं होता सवाए अपने वतन, अपने रिश्तेदारों और अपने घर में। और मसीह खुदावंद जो है वो नबुवत करता है अपने मरने और जी उठने की। इस तरह पहला हिस्सा हम देखते हैं कि मसीह खुदावंद नबुवत करता है, नबी होते हुए वो अपना काम जो है वो करता है। आज भी जिस माशरे में हम रहते हैं मसीह खुदावंद को बहुत दफा उसे सिर्फ नबी ही माना जाता है, लेकिन मसीह खुदावंद जो है चाहे उसे आप हजरत ईसा कहे, चाहे उसे अल्लाह कहे, चाहे उसे यीशु मसीह नजातदहिंदा कहे, चाहे उसे मसीहा कहे, चाहे उसे शाफी कहे, चाहे उसे इब्ने मरियम कहे, चाहे इब्ने दाऊद कहे, वो एक ही है, वो मसीहा है, वो जिंदगी देने वाला है। बस इसके साथ उसका दूसरा किरदार और मिशन जो है किस तरह हम देखते हैं कि मसीह खुदावंद कहने आज़म है कि जब वो खुद ही बर्रा भी बनता है और काहिन भी बनता है, और काहिन होते हुए वो क्या लेता है, रोटी लेता है और मैं लेता हूँ, क्या कहता है कि लोग खाओ ये मेरा बदन है, लो पियो ये मेरा खून है। और वो इस कहानत के सक्रामेंट को पाप जुमे रात के दिन जो है कायम करता है, और मसीह खुदावंद जो है हम सबको अपनी कहानत में शामिल करता है। उसका तीसरा किरदार जो है मिशन जो है हम किस तरह देखते हैं कि मसीह खुदावंद जो है बादशाहों का बादशाह है, अपनी बादशाहत की बात करता है क्योंकि उसके कलाम में लिखा है तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाहत नजदीक आ गई है।
यीशु के ये कलाम के अल्फाज हैं कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाहत नजदीक आ गई है। और जब उसी खुदावन से ये पूछा गया कि क्या तू यहूदियों का बादशाह है, तो यीशु ने क्या जवाब दिया कि तू खुद ही कहता है। और मसीह खुदावन की सलीब पे, आप सब सलीब देखते हैं, इसके ऊपर भी जो कताबचा लिखा गया, ये शॉर्ट फॉर्म लिखी गई है INRI, इसका मतलब क्या है? इसुस नाजरीनुस रेक्स अयुदोरुम, लातिनी जुबान में इसुस नाजरीनुस रेक्स अयुदोरुम, जिसका मतलब क्या है? इसुस का मतलब है यीशु, नाजरीनुस का मतलब है नासरी, रेक्स का मतलब है बादशाह, और अयुदोरुम का मतलब है यहूदियों का, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पे ये कताबचा जो है तीन जुबानों में लिख के लगाया गया था कि यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। बस हम देखते हैं कि जब भी यीशु बादशाह की ईद मनाई जाती है और हम बड़े ईमान से, बड़े जोश से और बड़े बलबले के साथ इस बात का इकरार करते हैं कि बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह है, शहनशाहों का शहनशाह यीशु शहनशाह है। और मसीह खुदावन अपनी तबलीग के काम को, इस मिशन को, नबुवत को जो है तीन तरह से पूरा करता है, नबी होते हुए, काहिन होते हुए और बादशाह होते हुए। और आज जब हम इस कलाम इलाही पे ध्यान ज्ञान करते हैं तो दो तरह की बुलाहट को हम अपनी जिंदगी में जानते हैं। मसीह होते हुए खुदा हमें दो तरह से बुलाता है। पहली बुलाहट कौन सी है? पहली बुलाहट जो है वो खानदानी जिंदगी की बुलाहट है, अज़दवाजी जिंदगी की बुलाहट है, शादीशुदा जिंदगी की बुलाहट है, जिसे खुदा ने आदम और हवा को बरकत दी। और आदम और हवा को बरकत देते हुए उसने क्या कहा कि फलो और बढ़ो, जमीन को मंगूरो महकूम करो। और आदम जब इस बरकत को हासिल करने से पहले अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और वो मोहब्बत का इजहार अपनी होने वाली बीवी हवा से करता है कि बस ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, कैसे शायराना अंदाज में अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, इकरार करता है, कबूल करता है। और खुदावंद उनकी मोहब्बत को देखते हुए बरकत देता है। और खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि बस जिसे खुदा ने जोड़ा उसे इंसान जुदा ना करे। ये खानदानी जिंदगी की बुलाहट है कि जिसके जरिए मसीही जिंदगी गुजारनी है। दूसरी किस्म की बुलाहट जो है आज की पहली तलावत में बिना दी गई है। और दूसरी किस्म की बुलाहट जो है वो कैसी है कि जब आमोस नबी जो है वो कहता है कि ना तो मैं नबी जात हूं और ना मैं नबी के घराने से हूं, कैसे हो सकता है कि खुदा ने जो है मुझे चुन रहा है, लेकिन उसने मुझे चुना है ताकि मैं उसका कलाम जो है, उसका इल्हाम जो है, उसका पैगाम जो है उसके लोगों तक पहुंचा सकूं। और जब आमोस नबी जो है वो खुदा का पैगाम सुनाता है तो कलाम अक्दस जो है उसमें बयां है कि आमोस नबी जो है ये 781 से लेकर 740 कबल मसीह में नबूवत करता है। और दो बड़े काम करता है। दो बड़े काम कौन से हैं कि सबसे पहले उन लोगों को बताता है जो खुदा से दूर थे, उनसे कहता है कि तुमने सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करनी है, तुम्हारे सामने और कोई माबूद ना हो, एक ही खुदा है और सिर्फ उसकी परस्तिश करो। और दूसरा बड़ा काम जो है तबलीग कौन सी है कि माशरे में इंसाफ हो, क्योंकि अमाउस नबी जो है ये उन लोगों के दरमियान भेजा गया था जो अमीर थे, संगदिल थे और जालिम थे, अमीर थे, संगदिल थे और जालिम थे और गरीबों पर जुल्म करते थे, उन्हें कुचलते थे और उनके साथ नाइंसाफी करते थे। बस दूसरी किस्म की बुलाहट जो है ये काहिनाना जिंदगी की बुलाहट है, रहबाना जिंदगी की बुलाहट है, सुफियाना जिंदगी की बुलाहट है कि जब एक राहिब जो है, एक काहिन जो है या एक सिस्टर जो है अपने आप को मुकम्मल तौर पे खुदा के लिए वक्फ कर दे और सिर्फ खुदा के लिए जिंदगी गुजारे। बेशक बहुत दफा ये बुलाहट मुश्किल होती है,
बहुत दफा आपने देखा होगा कि कई ब्रदर्स जाते हैं, कई सिस्टर्स बनने के लिए जाते हैं, वो देखते हैं कि शायद ये लाइफ मेरे लिए नहीं है, ये जिंदगी मेरे लिए नहीं है। लेकिन खुदावन यीशु मसीह क्या कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत है पर गजीदे थोड़े हैं। वो हमसे कहता है कि जब वो चुनता है वो कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि किसने चुना है, मैंने तुझे चुन लिया है। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुझे चुन लिया है। बस पहली किस्म की बुलावट जो है वो खानदानी जिंदगी की बुलावट है, दूसरी किस्म की बुलावट जो है वो सूफियाना रहमाना कायनाना जिंदगी की बुलावट है, जिसके बारे में आज की पहली तलावत और आज की अंजील मुकद्दस में हम सुनते हैं। बस अमाउस नबी जो है दो तरह से तबलीग करता है कि माशरे में अमन और इंसाफ हो और माशरे में सिर्फ और सिर्फ बनी इसराइल में एक ही खुदा की इबादत की जाए। इसके साथ साथ आज की अंजील मुकद्दस में हम क्या सुनते हैं, आज की अंजील मुकद्दस में मसीह खुदावन जो है हदायत रसालत अदा करता है। ये हदायत रसालत होती क्या है कि मसीह खुदावन जो है कितने रसूलों को चुना, उसने 12 को चुना, कि 12 रसूलों को चुना, और उसकी पैरवी करने वाले कितने थे, बेशुमार लोग थे जो यीशु की पैरवी करते थे, जो उसके कलाम को सुनते हुए उसके पास आते थे, जो शिफा हासिल करते थे। मसीह खुदावन जो भूखों को सेव करता था, अंधों को बनाई देता था, लंगड़ों को चलने की ताकत देता था। मसीह खुदावन जो है बेशुमार मुजजात करता रहा, मुर्दों को भी जिंदा करता रहा। इस तरह मसीह खुदावन की पैरवी करने वाले बेशुमार लोग थे, लेकिन मसीह खुदावन सिर्फ और सिर्फ 12 को चुनता। और ये 12 का चुनना क्यों है, सिर्फ 12 ही क्यों, इससे ज्यादा क्यों नहीं, क्योंकि मसीह खुदावन उस इलाही बरकत की याद दहानी दिलवाता है कि जब खुदा ने याकूब को बरकत दी। अब सब वाकिफ होंगे कि जिस तरह इब्राहिम को ईमानदारों का बाप कहा जाता है, और ना सिर्फ मसीह बल्कि गैर मसीही भी, जो एक खुदा पे ईमान रखता है वो इब्राहिम को ईमानदारों का बाप कहता है, चाहे वो मसीह है या गैर मसीह है। बस हम देखते हैं कि इब्राहिम से इसहाक पैदा होता है, और इसहाक से कौन सा नबी, यकूब नबी पैदा होता है, और यकूब के कितने बेटे होते हैं, 12 बेटे होते हैं। खुदा जब उसे बरकत देता है तो उससे कहता है कि तू इसराइल कहलाएगा और मैं तुझे बरकत दूंगा, और वो इसराइल के 12 कबीले बनते हैं। याकूब नबी के 12 बेटे जो है वो इसराइल के 12 कबीले बनते हैं, उनके नाम से एक एक कबीला बनता है। और मसीह खुदावन जब 12 रसूलों को चुनता है तो इलाही बादशाहत की बात करता है कि मसीह खुदावन के ये रसूल जो है ये उस इलाही बादशाहत और इलाही बरकत की बात करता है कि किस तरह खुदा ने याकूब को बरकत दी और 12 कबाइल बने, और इसी तरह खुदावन यीशु मसीह 12 रसूलों को चुनता है ताकि उसकी बादशाहत का, खुदा की बादशाहत का काम जो है वो जारी और सारी रहे। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि मसीह खुदावन उन्हें दो दो करके भेजता है, और जब उन्हें दो दो करके भेजता है तो कुछ हदायत देता है, और उन्हें हदायत कैसी देता है कि तुम रास्ता के लिए ना तो रोटी लेना, ना दो कुर्ते लेना, ना ही पैसे लेना। फिर क्या लेके जाते, सिर्फ दो बातें कही, और उनसे कहता है कि तुम्हारे हाथ में लाठी हो और तुम्हारे पांव में चप्पल हो, सिर्फ दो बातें कही है। और जिस घर में जाओ वहीं रहना, घर घर नहीं फिरना, जिस घर में जाओ वहीं रहना, और जो इस बात का कहना है कि तुम्हारे हाथ में लाठी हो और पांव में जूती हो, इससे क्या मुराद है। आप सब जानते होंगे कि खुदा ने मूसा नबी के जरिए बनी इसराइल को फराउन बादशाह की गुलामी से आजादी दिलवाई, और जब खुदा जो है मूसा नबी की मार्फत बनी इसराइल को आजादी दिलवाता है तो खरूज की किताब इसका 12 बाब उसकी 11वीं आयत मुबारक में पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने। और खुदा के कलाम में लिखा है
और तुम उसे इस तरह खाना कि तुम्हारी कमरें भरी हो, जूतियां तुम्हारे पांव में और लाठियां तुम्हारे हाथों में हो। खुदावंद यीशु मसीह का हाथ में लाठी और पांव में जूती पहनने से क्या मुराद है कि जिस तरह खुदा जो है, खुदावंद बारी ताला जो है, एलोहीम जो है, एडोनाय जो है, जिस तरह दुनिया का खालिक और मालिक मूसा नबी की मार्फत फिरौन की गुलामी से बनी इसराइल को आजाद करवाता है, खुदावंद यीशु मसीह उसी तरह जाहिर करता है कि ये बनी इंसान जो है, खासतौर पे ये रसूल जो है, उसी मिशन में शामिल होते हैं कि जब इंसान को गुनाह की गुलामी से हमेशा की जिंदगी की तरफ लाया जाए, उनको आजादी बख्शी जाए। और उसी खुदावंद जो है इस तरह करने से उस मूसा नबी की बात करता है कि जिस तरह खुदा ने बनी इसराइल को जो है फिरौन की गुलामी से आजाद करवाया, उसके बाद उन्हें इख्तियार देता है। और इख्तियार कैसा देता है कि कोई सूबों का इख्तियार नहीं है, किसी मुल्क का इख्तियार नहीं है कि किसी को वज़ीर आज़म बना दिया या सदर बना दिया या नायब आसिफ बना दिया या नासिर बना दिया या काउंसलर बना दिया, बल्कि कैसा इख्तियार देता है, नापाक रूहों पे इख्तियार, नापाक रूहों पे इख्तियार रसूलों को ये इख्तियार दिया गया। और नापाक उन्होंने किया जो खुदा से मुनकर है, जो खुदा से नावाकिफ है, जो खुदा को कबूल नहीं कर पाती, वो नापाक उन्हें जो रूह खुदा में खुदा की हुजूरी में झुक जाती है, जो रूह खुदा में ईमान ले आती है, यानी जो बरगसीदे ईमानदार खुदा में ईमान ले आते हैं वो तो खुदा के कलाम को सुनेंगे ही, लेकिन जो खुदा से मुनकर है, जो खुदा से दूर है, जो खुदा से नावाकिफ है, खुदा यीशु मसीह रसूलों को उन पे भी इख्तियार देता है। और तीन काम करते हैं रसूल, और आज के जिले मुकदस में बयान किया गया है, और वो तीन काम कौन से हैं? सबसे पहले नापाक रूहों को निकालना, शिफा देना, और तीसरा जो है नबुवत करना, यीशु के नाम की नबुवत करना। रसूल जो है ये तीन बड़े काम जो है करते हैं। इसके साथ साथ जब हम ये हदायत रसालत सुनते हैं तो एक किताब का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। उस किताब का नाम है टू हील अ फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड, एक किताब है टू हील अ फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड, और उसका सब टाइटल कुछ यूं है द एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस किताब में क्या बयान किया गया है कि माशरे में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए, मैं अपनी जिम्मेदारी को कैसे अदा करता हूँ, क्या मैं अपनी जिम्मेदारी को कैसे अदा करता हूँ। मसीह खुदावंद रसूलों को जिम्मेदारी देता है, और वो जिम्मेदारी कैसी है, तबलीग की, शिफा की और बदबुओं को निकालने की, ठीक है। इसके साथ साथ जब ये इस किताब के सब टाइटल पे हम ध्यान ज्ञान करते हैं, The Ethics of Responsibility, मैं एक लफ्ज पे जोर देना चाहता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी लफ्ज को जब तोड़ा जाता है तो इसके दो मतलब वाजिया होते हैं, रिस्पॉन्स अबिलिटी, फिर से रिस्पॉन्स अबिलिटी। रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, जवाब देना। अबिलिटी का मतलब क्या है, काबिलियत, यानी के अपनी काबिलियत के मुताबिक जवाब देना। और जब उसी खुदावंद उन्हें हदायत रसालत अदा करता है तो एक जिम्मेदारी अदा करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जिम्मेदारी। और जब उसी खुदावंद जो है उन्हें अपने अपने साथ रसूलों को कितने साल रखता है, तीन साल जो है अपने साथ रखता है, और फिर जो है उन्हें तरबियत देते हुए, उनकी इंफॉर्मेशन करते हुए, प्रॉपर ट्रेनिंग देते हुए उन्हें इस काबिल बनाता है कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सके। अबिलिटी यानी उन्हें इस काबिल बनाता है ताकि वो इस जिम्मेदारी को पूरा कर सके। लेकिन बहुत दफा ऐसे देखने में आता है कि बहुत सारे ऐसे हजरात होते हैं जो इस कलाम की तफसीर जो है अपने ही अंदाज में बयान करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अपने ही अंदाज में इसकी तफसीर बयान करने की कोशिश करते हैं कि मुझे खुदा ने रोया दे दिया है और सुबह उठते ही तकलीफ करना शुरू कर दी, बगैर किसी
तरबियत के बगैर किसी इल्म के बगैर कलाम को जानने के और इस कलाम को पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन इसकी तबलीग जो है पहले अच्छे तरीके से खुद जानना और फिर जो है लोगों को बता सकना। अगर किसी को शौक है तो बकायदा तौर पे सेंडरी जाकर खुदा के कलाम को पहले सीखा जाए, उसी खुदावंद की ज़ात मुबारका को देखा जाए कि जब वो रसूलों को भेजता है उन्हें बकायदा तौर पे काबिल बनाता है। एबिलिटी रिस्पॉन्स एबिलिटी, पहले काबिलियत होनी चाहिए फिर जो है उसको जो है जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। लेकिन बहुत दफा हमारे माशरे में हमारे ही मसीही कुछ ऐसे हैं जो बगैर काबिलियत के इस कलाम की तफसीर की जो है अपने ही अंदाज में उसको करना शुरू कर देते हैं, और हमारे ही कलीसिया में बहुत दफा मुख्तलिफ नामों से जिसे कहने को जो कलीसिया नाम दे देते हैं लेकिन हकीकतन कलीसिया तकसीम होते हुए दिखाई देती है। यीशु ने एक ही कलीसिया की बुनियाद रखी है, और उसी खुदावन ने जब इस कलीसिया की बुनियाद रखी तो उसने ये कह दिया है कि आलम असफल के दरवाजे इस पे कभी गालिब ना आएंगे। ये कलीसिया जो है रसूली है, और ये कलीसिया जो है एक खुदा पे ईमान रखने वाली है, यीशु पे ईमान रखने वाली है, बस ये कलीसिया जो है हमेशा कायम रहने वाली है, और खुदावन इसी कलीसिया के तहत जो है अपनी बादशाहत कायम करेगा। बस रसूल का मतलब जो है यूनानी जुबान में इसे अपोस्तलोस कहा जाता है, और अपोस्तलोस का मतलब क्या है, टू सेंड फोर्थ यानी भेजा हुआ। रसूल का मतलब जो है वो भेजा हुआ है, और उसी खुदावन जो है जब 12 रसूलों को भेजता है तो आज उन्हें हदायत रसालत अता करता है और उन्हें बरकत भी देता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि जब तोमा रसूल जो है इंडो पाक में आया, ठीक है, पाकिस्तान में, इंडिया में, इस बरसगीर में आया, एशिया में आया, तो उसकी बदौलत जो है आज हम सब जो है मसीही आज मिशनरीज की जिंदगी की बदौलत, उनकी अंथक मेहनत की बदौलत, उनकी बुलाहट की बदौलत खुदा आज हमें ये फसल देता है कि हम उस जिंदा खुदावन की इबादत कर सकें, उसकी हजूरी में झुक जाए। आज हमें कलीसिया को तकसीम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुदावन यीशु मसीह जिस तरह आज की दूसरी तलावत में हमसे हमें यह बरकत देता है कि हम समझ सकें कि मेरी दुआ ये है कि तुम एक हो जाओ जिस तरह बाप और मैं एक ही है। बस इस सारे कलाम को देखते हुए मुकद्दस अग्नेशियस बड़ी खूबसूरत बात करता है, और मुकद्दस अग्नेशियस क्या कहता है, तीन सवाल करता है अपने आप से करता है, और वो तीन सवाल कौन से हैं कि मैंने यीशु के लिए क्या किया है, मैं यीशु के लिए क्या कर रहा हूं, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल यह है कि मुझे यीशु के लिए क्या करना चाहिए। मुकद्दस अग्नेशियस जो है हदायत रिसालत खुदा यीशु मसीह के मिशन को अपनी जिंदगी के सामने रखते हुए अपने सामने रखते हुए तीन सवाल करता है, और मैं समझता हूँ कि हमें भी आज अपने आप से पूछने की जरूरत है कि मैंने यीशु के लिए क्या किया है, मैं यीशु के लिए क्या करता हूँ, और मुझे यीशु के लिए क्या करना चाहिए। बस आज जब हम इस खुदा के पाक कलाम को सुनते हैं तो अपनी अपनी भुलाहट को जाने, खानदान में रहते हुए हम यीशु की कहानत में, यीशु के नबी करदार में, यीशु की बादशाहत में शामिल हो, तब ही ये कलाम मेरी जिंदगी में पूरा होता है। राहिब होते हुए, काहिन होते हुए मैं यीशु के तीन तरह के करदार और मिशन को मैं भी अपनी जिंदगी में पहचानूं, और खुदा की बादशाहत के लिए अपने आप को पेश करता रहूं। बेशक मसीही होना आसान नहीं है, क्योंकि यीशु खुद कहता है कि जो कोई मेरा पैरोकार बनना चाहे तो क्या करे, सबसे पहले खुद इनकारी करे और किसकी सलीब उठाए, हमसाये की सलीब उठाए, ऐसे ही है नहीं, किसकी सलीब उठाए, अपनी सलीब उठाए। लेकिन हमारी फिक्र क्या होती है, फलाने की सलीब छोटी है,
मेरी सलीब बड़ी है, मेरी सलीब ऐसी है, छोटी है, मोटी है, पता नहीं क्या है, ठीक है। दूसरों की सलीब के बारे में है कि उसकी सलीब छोटी है, मेरी सलीब भारी है, लेकिन खुदा यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम में से कोई मेरा पैरोकार बनना चाहता है तो सबसे पहले खुद इनकारी करे। खुद इनकारी ऐसे नहीं आती, खुद इनकारी अपनी अना को काम करना, अपने जमीर को पहचानना और फिर जो है अपनी सलीब उठाना, अपनी जिम्मेदारियों के तहत जो है यीशु के पीछे चलना और फिर जो है उसी खुदा जिस तरह कहता है कि अगर कोई तो तुम है मेरा पैरोकार बनना चाहे पहले खुद इनकारी करे, सलीब उठाए और फिर तीसरे नंबर पे उसके पीछे हो ले। ऐसा करने से बेशक बहुत दफ़ा परेशानियां भी आती हैं, मसीही होते हुए दुख भी उठाते हैं, बहुत दफ़ा रद्द भी किए जाते हैं, लेकिन खुदावन क्या कहता है कि जान मेरे तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। बस नहीं आई कि जान मेरे तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। बस आए बड़े ईमान के साथ इस कलाम इलाही को अपनी जिंदगी में रखें, यीशु के साथ वफादार रहें, खुदावन से बरकत हासिल करें। वो शाफी है, जिंदगी देने वाला है, बरकत देने वाला है। आज भी उसके इलाही नाम में क्रिश्मात होते हैं, लोगों को बरकत मिलती है, शिफा मिलती है। बड़े ईमान के साथ उसकी हुजूरी में झुक जाए और जान देने तक वफादार रहे तो वही जिंदगी का ताज देगा, वो जिंदगी जो हमेशा की जिंदगी है, वो जिंदगी जहाँ पे बीमारी नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, दुख नहीं होगा, तकलीफें नहीं होगी, बल्कि हमेशा की जिंदगी होगी। आए आज के इस कलाम इलाही से बरकत और फसल हासिल करें। आमीन।